हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोल एंड मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे मोल और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला है मोल निकालने के लिए, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपोनेंट है, कंपाउंड है, उसका मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलेक्युलर मास ऑफ सब्सटेंस। अभी मोलेकुलर मास कैसे निकालते हैं? वेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बट मोलेकुलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी मोल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलेकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड आउट मोल्स ऑफ 180 ग्राम वाटर। एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, फाइंड आउट मोल्स ऑफ 180 ग्राम वाटर। तो हमें वेट दिया है, वेट ऑफ वाटर दिया है। तो पहली चीज, मोलेक्युलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, तो मोलेक्युलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल कैसे मिलता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और हाइड्रोजन एक है तो 1, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो उसका एटॉमिक मास होगा 2, यानी 16 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। अभी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट कितना दिया है 180 अपॉन मोलेक्युलर मास ऑफ सब्सटेंस। वाटर का मोलेक्युलर मास कितना दिया है 80, तो 18 ले लिया। सो आंसर कितना मिलेगा हमें, 10 मोल। आंसर कितना मिलेगा, 10 मोल। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं मोल ऑफ एनी कंपाउंड, यहाँ पे निकाला मोल ऑफ वाटर। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा फिनिश हुआ, मोल कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी चीज के लिए आप लोग इजीली इस तरह से मोल फाइंड कर सकते हैं। एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मोल्स ऑफ 60 ग्राम यूरिया इज इक्वल्स टू ब्लैंक। तो 60 ग्राम यूरिया के मोल कितने मिलेंगे हमें? तो हमारे पास फॉर्मूला है मोल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ कंपाउंड यानी 60 अपॉन मोलेक्युलर मास ऑफ यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। इसके अंदर सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास प्लेस करने पे इसका मोलेक्युलर मास हमें मिलेगा 60 ग्राम पर मोल, यानी 60 डिवाइडेड बाय 60, यानी आंसर क्या मिलेगा, 1 मोल। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड के लिए हम लोग मोल्स फाइंड कर सकते हैं, बट कब, जब हमें वेट पता हो तब। कंपाउंड का वेट हमारे पास है तो हम लोग इजीली उसके मोल्स निकालते हैं। अभी सेकंड टॉपिक के लिए बात करनी है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पहले तो आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। बट उससे पहले फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ कंपोनेंट, यानी जो भी कंपोनेंट के लिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालने उसके मोल्स ऊपर लेना है, डिवाइडेड बाय
टोटल मोल्स इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स है टोटल, वो सब मिला के लिखने हैं डिवाइड में। तो ये फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन अ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरह से होता है। मान लो 180 ग्राम वाटर के अंदर 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया है, यानी एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर टू कंपोनेंट है, एक वाटर है, सेकंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर H2O और NaOH है। तो पहले तो दोनों के मोल निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट 180 अपॉन मोलिकुलर मास 18, यानी कितना होगा 10 मोल फर्स्ट हुआ। सेकंड मोल ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू वेट कितना दिया है 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसका मोलिकुलर मास तो हम लोग यहां निकालते हैं NaOH कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16 एंड 1, यानी कितना आंसर मिलेगा 40, 40 डिवाइडेड बाय 40 यानी आंसर होगा 1 मोल। अभी क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर टू कंपोनेंट है, तो टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ NaOH दैट इज 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। सो अभी हम निकालने हैं हमें मोल फ्रैक्शन वाटर के लिए और NaOH के लिए, तो हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन से, x से इंडिकेट करते हैं मोल फ्रैक्शन, x ऑफ वाटर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है, जो भी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल ऊपर रखने हैं और बाकी टोटल मोल्स डिवाइड में, यानी वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ वाटर यानी 10 अपॉन टोटल मोल यानी हो जाएगा 11। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हुआ, इसको डिवाइड करोगे जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.999 समथिंग आएगा। सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ NaOH जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल ऊपर लिख लो, डिवाइड में क्या लिखोगे टोटल मोल्स, NaOH के मोल 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 11, ये हो गया आंसर। दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो ऑलवेज मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑलवेज 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मोल एंड मोल फ्रैक्शन। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं 11th और 12th केमिस्ट्री के जो NCERT के जो भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का मैं वीडियो रखने वाला हूँ। थैंक यू।